देखिए 43 The reply is placed on the table of the house. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पलवल के अंदर, पलवल से लेके मथुरा से लेके फरीदाबाद तक सारा नेशनल हाईवे है और दिन प्रतिदिन वो नेशनल हाईवे बढ़ता जा रहा है। केजीपी, केएमपी और बहुत सारी कनेक्टिविटी पलवल से हुई है, उस नाते पलवल पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा भार बढ़ा है और कोई भी एक ट्रॉमा सेंटर हमारे इस हाईवे पर नहीं है। और अगर एक ट्रॉमा सेंटर अगर हमारा होगा तो निश्चित तौर पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे जो सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ साहब के यहाँ से भी एक लेटर हमारा डीजी हेल्थ के पास गया है, उस लेटर के अनुसार 300 से 400 जो एक्सीडेंट के पेशेंट हर महीने होते हैं वो वहाँ से रेफर किए जाते हैं दूसरे अस्पतालों के लिए। आगे आने वाले समय को भी देखते हुए अगर पलवल के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर और जो पलवल का सिविल अस्पताल है उसमें जगह भी है, साइट प्लान भी वहाँ बना करके भेजा है, अगर एक ट्रॉमा सेंटर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सारे पलवल जिले और आसपास के और जो नेशनल हाईवे पर गुजरने वाले लोग होते हैं उनको बहुत सुविधा होगी। एक बात और है, क्योंकि हमारा ये ब्रिज का क्षेत्र है और जो मथुरा वृंदावन बहुत सैलानी देश विदेश के यहाँ से होकर के जाते हैं, आगरे के भी जो पैसे विदेशी सैलानी होते हैं वो इसी रोड से होकर के जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो सभी के लिए एक ये सूटेबल रहेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध रहेगा अगर इस ओर ध्यान दे करके करा जाए तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर खोले जाते हैं, खोलने के लिए हमें कहा हुआ है। पलवल में सिविल हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है और फरीदाबाद के हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी है, उसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल 2400 बेड का वहां पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और मैं खुद उसको देख के आया हूं। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक और लेटेस्ट जो फैसिलिटीज हैं वो उस हॉस्पिटल्स में मुहैया कराई गई हैं, लेकिन फिर भी सदस्य की चिंता को तरजीह देते हुए और मुख्यमंत्री जी ने पिछले सदन में अनाउंस किया था कि पलवल में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो सर उस मेडिकल कॉलेज जो बनेगा उसमें हम ट्रॉमा सेंटर भी बनाएंगे।